भाई आप लोग किधर आए हुए हैं? हम आए हैं फिलहाल यहाँ पे स्टे है। अब हमने जाना है आगे हंजा अभी और उसके आगे गुजरात नाश्ते के इंतजार में यहाँ पे सबसे पहले हमने मुझे बताएं राकाबोशी किधर है? राकाबोशी गुजरात से कुछ राकाबोशी किधर है? लो जी हम पासु आ चुके हुए हैं और यहाँ पे फोटो शूट होना है। वो सामने पासु ग्लेशियर है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये सामने वेलकम टू पासु लिखा हुआ है और जी यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है। यहाँ तक रास्ता साफ है लेकिन बहुत ही तंग हो चुका है जिसकी वजह से शायद हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कह रहे हैं कि आगे 10 किलोमीटर तक यही हाल है। भाई क्या कर रहे हैं इतनी देर से आप लोग, क्यों नहीं जा रहे? बहुत ही तंग आ गए हैं, पतली आवाम जो बर्दाश्त ही नहीं है, कोई आवाम बर्दाश्त ही नहीं कर रही। वो कहते हैं कि अभी पहले निकल जाइए, वो कहते हैं अभी पहले निकल। हुआ क्या यार? हुआ ये है कि वो ना लैंड स्लाइडिंग गाड़ी की उधर नहीं दे रहे, ठीक है, लाइन है ना डबल लाइन बनी हुई है, सही है, क्रॉसिंग नहीं हो रही उस जगह से। तो आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखें लाल हो गई हैं। हमारी आंखें इसलिए लाल हो रही है कि हमारा ना हमारे पास कुछ सामान नहीं है, दो दिनों से सफर कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा टाइम पास हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव रहना चाहिए। आपके क्या ख्याल आते हैं? और बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे हक साहब समझदार हैं, इन सबसे ये दोनों जो है ना वो थोड़े जज्बात के बंदे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि टाइम हुआ है 5-6-7 बजे तक निकल जाएं, वेल एंड गुड, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। तो ये भाई का चेहरा देखे मैं आपको बस यार मैं तो रोना ही हो गया, मैंने बड़ी भूख लगी यार, उस तरह देखे यार बड़ी भूख लगी उस तरह देखे। और नहीं यार मैं हूं नहीं देख सकता, ये इनकी आंखें हूं ना, सब्र जवाब देगा मेरा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं हम राकाबोशी व्यू पॉइंट होटल में रात हमने स्टे किया था क्योंकि हम रात से लेट पहुंचे थे तो हम वीडियो नहीं बना सके। और इसके चारों तरफ बहुत ब्यूटीफुल व्यू है राकाबोशी। और जैसे कि ये सामने आपको राकाबोशी
नजर आ रही है उसकी चोटी। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा व्यू है। तो अगर आपने हुंजा जाना है तो ये बेस्ट प्लेस है स्टे के लिए। हुंजा से थोड़ा सा पहले है और व्यू भी बहुत प्यारा है। भाई आप लोग किधर आए हुए हैं? अब हमने जाना है मुझे बताएं राकापोशी किधर है? राकापोशी किधर है? राकापोशी बादलों में ढकी हुई है वो आपको नजर आ रही है। हम आपको और इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इसके कमेंट्स डिलीट करें और इसको ब्लॉक करें और इसको अनसब्सक्राइब करें लगाऊंगा और इसको एंड पे काम कीजिएगा, इसको रिपोर्ट करें। मुझे लगता है मैं तेरी वीडियो लगाऊंगा। लगा भी देगा उसने चेक करना तो अपना जहाँ भी जा रहे हैं ऑमलेट और पराठा और चाय, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ दही मिल रही है तो एक जगह, तो अब हम उसके लिए हम वहाँ जा रहे हैं और हम यहाँ से भाई देख लेना ये मेरा व्लॉग बड़ा हिट होने वाला है। देखो तो अभी हम ये राकापोशी व्यू पॉइंट से पंजरा पास के लिए निकल चुके हैं। हुंजा हमने वापस आके स्टे करना है, पहले हम पंजरा पास जाएंगे। तो राकापोशी ये बिल्कुल ताज़ा और रेड कलर की हुरमानी जो कि वहाँ पंजाब में हमें नहीं मिलती, और ये बिल्कुल कच्चे सेब छोटे छोटे, ये हम थोड़े से अंदर से लेने लगे हैं साफ सुथरे। ये वाले जो कि फ्रेश तोड़े हुए हैं लेकिन हैं कच्चे, यही पक्के हैं भाई साहब कह रहे हैं कि ये पक्के हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त फोटोशूट कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर साहब की फ़ोटोशूट हो रही है और पीछे से मैं इनकी वीडियो भी बना रहा हूँ। हाफ साहब बाहर आ जाएं। और ये हमारे हाफ साहब हैं जो मुझसे बार बार लड़ रहे हैं कि ये सीट मैंने लेनी है, हालांकि मैंने इनको बोला है मैंने वीडियोज़ बनानी है, मैंने व्लॉग के लिए वीडियोस बनानी है, आप मुझे यहाँ बैठने दें। जैसे लड़ाई करनी है देखें, ये आप साहब को समझाएं यार, आप साहब ऐसा नहीं करते होते। और ये जो हमारा फोटोग्राफर है अभी ये पहले किसी एक और की एक पिक्चर बना के फिर उससे अपनी 100 पिक्चर बनवाता है। देखें बंदा पूछे यार तू अजीब फोटोग्राफर है भाई।